क्या बोलते हो, प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाए पोको X3 वर्सेस पोको X2, वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। उसके पहले एक प्रैक्टिकल काम कर लेता हूँ। निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोडन। मानना सच में इस पोको X3 का वेट बहुत ज़्यादा हेवी है, हाथ में पकड़ने से आपको पता चलेगा। सो गाइज, ओनली 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। आपके एक लाइक करने से मुझे आने वाली वीडियोस, मतलब जो भी आगे वीडियोस बनाता हूँ उसके लिए यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहता है। और आप चैनल पे नए आए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दिवाली से पहले हमें 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, सो यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि पोको X3 फास्ट है या पोको X2 फास्ट है। पोको X3 में आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलता है, तो पोको X2 में आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिल जाता है। उसके साथ दोनों भी फ़ोन 6GB 128GB के साथ मेरे पास है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। उसके साथ दोनों भी फ़ोन में आपको MIUI 12.0.1.0 का इंडियन स्टेबल अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और दोनों भी फ़ोन में आपको डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 120Hz यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये टेस्ट चालू करने से पहले मैंने दोनों भी फ़ोन में 120Hz यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हूँ। सो स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट को। तो सबसे पहले मेरे दोनों भी फ़ोन में यहाँ पे 3.5GB का एक ZIP फाइल है, तो दोनों भी फ़ोन में हम सेम टाइम पे इसके एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे, तो देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर पाता है। So one, two, or go. Till I finally prove it. Never listen to the noise. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars. और यहाँ पे मुझे Poco X2 थोड़ा सा ज़्यादा आगे देखने को मिल रहा है, और एक्सट्रैक्टिंग का स्पीड भी मुझे Poco X2 में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। या सबसे पहले फिनिश किया है Poco X2 ने, और Poco X3 को अभी भी टाइम लग रहा है फिनिश करने में। तो एक्सट्रैक्टिंग का विनर है पोको X2, और जो एक्सट्रैक्ट किया है उस फाइल को हम इंटरनल स्टोरेज में दूसरे फाइल में कॉपी करके देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन यहाँ पे कॉपी कर पाता है। सो वन, टू और गो। तो यहाँ पे मुझे कॉपी करने का स्पीड भी पोको X2 का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो आप ऑन स्क्रीन भी देख सकते हो। गुड जॉब पोको X2। और यहाँ पे सबसे पहले फिनिश किया है पोको X2 ने। वाओ, मतलब इतना फास्ट पोको X2 एक्सट्रैक्टिंग में और कॉपिंग में भी मुझे पोको X3 से फास्ट देखने को मिला। उसके साथ काइनमास्टर एप्लीकेशन से हम एक वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे और देख लेते कि सबसे पहले सेम लेंथ सेम रिजोल्यूशन का वीडियो कौन सा फ़ोन यहाँ पे फिनिश मतलब एक्सपोर्ट कर पाता है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, और यही सेम वीडियो मैं पोको X2 में भी क्रिएट करूँगा। तो दोनों भी फ़ोन में सेम लेंथ का सेम रिजोल्यूशन का वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट और देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा फ़ोन वीडियो को क्रिएट कर पाता है। या वन, टू और गो। तो यहाँ पे मुझे पोको X3 आगे देखने को मिल रहा है। ना, यहाँ पे पोको X2 भी चल रहा है थोड़ा सा आगे। पोको X2, पोको X3, पोको X2, पोको X3। पोको X2 शॉकिंग, यहाँ पे ये टेस्ट भी पोको X2 ने जीत लिया है। तो उसके साथ हम सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन ओपन करके देखेंगे सबसे पहले कौन सा फ़ोन ओपन करता है फटाफट। यहाँ पे फ़ोन ने पिके पोको X2 ने ओपन किया, उसके साथ मैसेज 1 to go। मैसेज ऐप मुझे सेम देखने को मिला दोनों भी फ़ोन में, ओपनिंग स्पीड। उसके साथ सेटिंग सबसे पहले पोको X2 ने ओपन किया। गैलरी 1 to go, सेम कोई डिफरेंस नहीं। उसके साथ यहाँ पे कैमरा ऐप, तो सबसे पहले ओपन किया पोको X3। सो इस टेस्ट में दोनों भी फ़ोन में सेम परफॉर्म किया है। उसके साथ हम गिग बेंच स्कोर देखेंगे कि किसका ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वैसे गिग बेंच एंटीटू बेंच मार्क स्कोर कुछ मायने नहीं रखते, फिर भी आपको नंबर से यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे नंबर सिंगल कोर और मल्टी कोर मुझे पोको X3 का यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट ऑन पेपर मतलब ऑन फिजिकल पोको X2 बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हो सिंगल कोर और मल्टी स्कोर, ये आपको पोको X3 का ही यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाता है। उसके साथ हम मेन टेस्ट करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस किसका बेटर है। हाँ गाइस, CPU थ्रोलिंग टेस्ट।
सीपीयू थ्रोलिंग टेस्ट में हम सीपीयू को हाई फ्रीक्वेंसी में रन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपको कांस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है या डाउनग्रेड यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट को और यहाँ पे एक दो मिनट के बाद देख लेते हैं कि किसका परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिलता है और किसका डाउनग्रेड हुआ है। अभी तो दोनों भी फोन में कांस्टेंट परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल रहा है बट यहाँ पे एक मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आफ्टर वन मिनट के बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पोको एक्स थ्री का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अप डाउन यहाँ पे हो रहा है बट पोको एक्स टू आपको कांस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। सो यार एक शॉकिंग न्यूज़ है रियली। यहाँ पे पोको एक्स थ्री को पोको के टीम को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो फोन थोड़ा सा हीटेड भी मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा अपडाउंस परफॉर्मेंस में आपको पोको एक्स थ्री के देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे यार क्लियर परफॉर्मेंस में विनर है पोको एक्स टू। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के जो स्कोर है वो भी आप देख सकते हो बट यहाँ पे यार परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा अपडाउन पोको एक्स थ्री में देखने को मिल जाता है। और इंटरनेट स्पीड के लिए मैंने यहाँ पे टेस्ट किया कि 4G प्लस का सपोर्ट दोनों भी फ़ोन में देखने को मिल जाता है कि नहीं, मतलब नेटवर्क कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट। सो दोनों भी फ़ोन में आपको 4G प्लस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि नेट मॉन्स्टर ये जो एप्लीकेशन है हम जिससे टेस्ट करते हैं वो पोको एक्स थ्री में यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। आई डोंट नो क्या इशू है बट यहाँ पे 2C 2 बैंड दोनों भी फ़ोन सपोर्ट करते हैं, मतलब 4G प्लस यहाँ पे सपोर्ट कर लेते हैं। उसके साथ यहाँ पे फ्लैश लाइट भी मैंने चेक किया कि किसका यहाँ पे आपको ज़्यादा तेज फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे पोको एक्स थ्री का देखने को मिला। हालांकि पोको एक्स थ्री में सिंगल टोन फ्लैश लाइट देखने को मिलता है बट पोको एक्स टू में आपको ड्यूअल टोन फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे पोको एक्स थ्री का फ्लैश लाइट मुझे थोड़ा सा तेज यहाँ पे देखने को मिला। उसके साथ एक हम 100 MB का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाता है। 1, 2 और गो। सो गाइस ये प्रैक्टिकल टेस्ट है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हो। सो यार यहाँ पे भी पोको एक्स टू जीत चुका है। पोको एक्स टू ने सबसे पहले इंस्टॉल किया है और उसके साथ हम कर लेते हैं फिंगरप्रिंट टेस्ट। और फिंगरप्रिंट में आप देख सकते हो क्लियरली पोको एक्स टू विनर है और पोको एक्स टू का फिंगरप्रिंट मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिला। सो यार पोको एक्स थ्री को अपने सॉफ्टवेयर में मतलब अपडेट दे के इस फिंगरप्रिंट को इम्प्रूव करना चाहिए। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट कैमरा शटर, मतलब शटर का जो स्पीड होता है उसका टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम मूविंग ऑब्जेक्ट का फोटो लेते हैं और शटर स्पीड कम हो तो ऑब्जेक्ट ब्लरी आता है बट दोनों भी फ़ोन में आपको सेम फास्ट स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके साथ हम रिबूट टेस्ट करेंगे और देख लेते हैं सबसे पहले सिस्टम के अंदर कौन सा फ़ोन यहाँ पे बूट हो जाता है। सो गाइज इस प्रैक्टिकल टेस्ट में और कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करना चाहिए मुझे यार जरूर कमेंट करके बताना, मतलब मैं नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में वो पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर सकूँ। तो दोनों भी ब्रांड के मतलब सिंगल ब्रांड है, दोनों के भी लोगो यहाँ पे आ चुके हैं और मुझे पोको एक्स टू थोड़ा सा आगे, मतलब यार पोको एक्स टू सबसे पहले बूट हो चुका है। सो गाइज इस टेस्ट में से एक को मैं चूज करूँ तो यार मैं आग बंद करके पोको एक्स टू को चूज करूँगा। एंटूटू या गिगबेंच स्कोर इसका कम देखने को मिलेगा बट परफॉर्मेंस आपको बहुत बेटर और फास्ट पोको एक्स थ्री से भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उसके साथ इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपके पास है ये मुझे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।